स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे JBL T450BT स्टीरियो ब्लूटूथ हेडफोन्स की, और एकदम लाइट वेट है। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी वो पूरी मैं चेक करके आपके बताऊंगा। प्राइस की जहां तक बात है, इस पे लिखा हुआ है 3499 MRP, लेकिन ये आपको लगभग 2000 के आसपास में मिल जाता है। और इसमें प्योर बेस लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसका बेस है वो कैसे काम करता है। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक सबसे पहले, और उसके बाद में मैं आपको वीडियो को दिखाता हूँ आगे। तो देखिए वीडियो को आप अंत तक, खोलते हैं इसको और ये निकलता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। और बॉक्स ये है खाली, और इसके साथ हमें मिलती है ये एक छोटी सी बुकलेट जिसका हमारे कोई काम नहीं है। ये है हमारी मेन यूनिट, और इसको हम निकालते हैं बाहर, और ये कुछ इस टाइप से हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं ये, और पूरे फोल्ड होने वाले हैं तो हम इनको आराम से फोल्ड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास एक्सटेंड का ऑप्शन भी है, और जो राउंड है वो थोड़ा सा छोटा है तो कान में दर्द कर सकता है। यहाँ हमें इसमें दिया गया है चार्जिंग पोर्ट के लिए जगह, जो कि है माइक्रो USB वाला चार्जिंग पॉइंट। और यहाँ दिए गए हैं हमें वॉल्यूम प्लस माइनस और पोज के बटन्स, और ये है हमारा पावर बटन। और साइड में दिया गया है हमें एक माइक्रोफोन, और इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में हमें मिल जाती है JBL की ब्रांडिंग। और ऊपर से है वो कुछ भी लेदर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है सॉफ्टनेस के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, सिर में दर्द करेगा। लेकिन साउंड क्वालिटी और चेक कर लेते हैं हम इसकी कि ये हमें कैसी साउंड क्वालिटी देता है। और साथ में हमें एक इसमें मिल जाती है ये एक इसकी चार्जिंग के लिए केबल, USB 2 माइक्रो USB केबल। तो अभी इसको हम साउंड टेस्ट करके देखेंगे कि ये जो साउंड है वो कैसी दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं ब्लूटूथ फ़ोन से पेयर, और उसके बाद में देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। मैंने कर लिया इसको मेरे फ़ोन से पेयर, और अब मैं साउंड क्वालिटी है वो एक बार चला के चेक करना चाहूँगा कि जो बाहर है वो साउंड कितनी आती है। तो इतनी आवाज़ है वो बाहर आती है, और एक बार अगर हम जैसे ही कवर करेंगे तो आवाज़ है वो थोड़ी कम आएगी। और अब मैं लगा के देखता हूँ कि कैसी साउंड क्वालिटी रखती है। तो जो बेस है वो कुल मिला के ठीक है, और ये काफ़ी टाइट है तो मुझे इतना कंफर्टेबल अब वो फील नहीं हो रहा है। साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, 10-11 घंटे का बैटरी बैकअप है इसका, तो वो भी एक अच्छी बात है। और 2000 रुपये की प्राइस के अंदर मुझे ये एक ठीक ठाक डील लग रही है। अगर आप इसको लेना चाहोगे तो मैं इसका जो बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो वीडियो आपको ये कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।